नमस्कार दोस्तों, आज हमें कविता पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश की कविता है द ट्रेजिक स्टोरी। इनके कवि का नाम है W.M. ठैकरे। इस कविता को मैं एक बार पढ़कर सुनाती हूँ, फिर इसका अर्थ समझने की हम कोशिश करेंगे। There lived a sage in days of yore, and he a handsome pigtail wore, but wondered much and sorrowed more. Because it hung behind him, he mused upon this curious case, and swore he had changed the pigtail's place, and have it hanging at his face, not dangling there behind him. Says he, the mastery I have found, I'll turn me round. He turned him round, but still it hung behind him. Then round and round, and out and in, all did the puzzle sage did spin. In vain it mattered not a pin, the pigtail hung behind him, and right and left and round and about, and up and down and in and out, he turned but still the pigtail stout, hung steadily behind him. And though his efforts never slack, and though he twist and twirl and tack, alas, still faithful to his pack, the pigtail hangs behind him. इस कविता में कवि कहते हैं कि काफ़ी सालों पहले, यानी पुराने समय में कहा जाए या काफ़ी बरसों पहले, एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति रहा करते थे। उनके सर पर एक बहुत ही खूबसूरत सी एक चोटी हुआ करती थी। जो चोटी थी वो बहुत ही खूबसूरत और पीछे उनके बालों में बंधी हुई थी। जो विद्वान महात्मा थे या विद्वान व्यक्ति थे, वो बहुत खुश भी थे, वो दुखी थे और वो बहुत आश्चर्यचकित भी थे। वो इस बात से आश्चर्य में थे और बहुत दुखी भी थे कि वो जो चोटी है वो उनके सिर के पीछे बंधी हुई है। वो हमेशा बहुत गहराई से सोचते थे, इस के ऊपर विचार करते थे, और उन्होंने अपने आप को एक वादा भी किया था कि कुछ भी करके ये जो चोटी उनके सिर के पीछे बंधी हुई है उसको वो उनके चेहरे के सामने लाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा और इस तरह की कोशिश करूंगा कि वो जो चोटी मेरे सिर के पीछे बंधी हुई है वो मेरे चेहरे के सामने आ जाए, और चेहरे के पीछे झूलने की जगह वो सामने की तरफ लटकती हुई उनको नजर आए। फिर उन्होंने ऐसे सोचा कि ये जो गुत्थी है उसको उन्होंने सुलझा लिया, और वो सुलझाने का तरीका उन्होंने ऐसे सोचा कि वो अपने आप को जब गोल घुमाएंगे, चहू ओर देखेंगे और अपने आप को गोल घुमाएंगे तो वो चोटी उनके समक्ष सामने की तरफ प्रकट हो जाएगी। फिर उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने अपने आप को गोल गोल घुमाया, ऊपर नीचे घूमे, अंदर की तरफ घूमे, बाहर की तरफ अपना आपको घुमाया, वो हर दिशा में घूमे। लेकिन हर तरफ घूमने के बाद भी ऐसे हुआ कि उन्होंने जितनी भी कोशिशें करी वो सारी कोशिशें व्यर्थहीन हो गई, उन कोशिशों का कोई अच्छा फल नहीं मिला, क्योंकि वो जो चोटी थी वो उनके पीछे ही बंधी हुई थी। फिर उन्होंने कोशिश की कि सीधी तरफ घुमा जाए, यानी बाई तरफ घुमा जाए, दाई तरफ घुमा जाए, या गोल गोल फिर से घुमा जाए, या ऊपर नीचे घुमा जाए, अंदर की तरफ घूमे या बाहर की दिशा में घूमे, जैसे जिस तरीके से भी उन्होंने घूमने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश करी हर तरफ जितनी कोशिश वो कर सकते थे की, लेकिन वो चोटी इतनी कठोर थी, इतनी सख्त थी कि वो पीछे ही बंधी रही। वो बिल्कुल अपनी पीठ के पीछे, जो अपने सिर के पीछे बंधी हुई थी, और वो बिल्कुल फेथफुल थी, लॉयल थी, मतलब वो बहुत जिम्मेदारी से पीछे की तरफ बंधी हुई थी। और उन्होंने जितना भी मेहनत किया, उन्होंने अपने आप को घुमाया, मरोड़ा, हर दिशा में गोल घूमे, उनकी हर कोशिश नाकाम रही, और आखिर में यही साबित होता है कि वो चोटी जो है उनके सिर को, उनके पीछे तरफ, सिर की तरफ बहुत लॉयल रहकर, फेथफुल रहकर, या बहुत ही ईमानदार रहकर वो पीछे की तरफ ही बंधी हुई रही।
और वो सामने ना आ सकी। तो ये कविता में बहुत खूबसूरती से उन्होंने एक बहुत जिम्मेदार या बहुत समझ जो बहुत विद्वान व्यक्ति थे उनकी एक छोटी सी आप बीती पर एक कहानी उन्होंने बताई है इस कविता के द्वारा, कि जो चोटी उनके सिर के पीछे बंधी हुई थी वो चाहते थे विद्वान व्यक्ति कि वो चोटी सामने की तरफ उनके चेहरे पर आए ताकि वो उस चोटी को अच्छी तरह देख सके, समझ सके और उनको पीछे से वो सामने ला सके। और उसी इसी कोशिश को उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक कविता का रूप देकर समझाया है कि उन्होंने किस तरह से कोशिश की उसको सामने लाने की, लेकिन वो चोटी पीछे से सामने ना आ सकी। बस यही इसका कहानी जो कविता है उसका अर्थ है। धन्यवाद।